नमस्कार मित्रों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होंगे। चलिए प्रसन्नता के साथ, हमारे समक्ष प्रश्न है, यदि एक ड्रम 9 बाल्टी पानी से भर जाता है, यह कोई ड्रम है, ये मान लीजिए ये बड़ा सा हमारा ड्रम है, ठीक है, इस ड्रम में कितना बाल्टी पानी आता है? इस ड्रम में छोटी छोटी बाल्टियों की संख्या कितनी है? 9 बाल्टी यदि इसके अंदर डालेंगे तो ये पूरा भर जाता है। प्रश्न यह है कि ऐसी 108 बाल्टी पानी की है, तो कितने ड्रमों की हमें आवश्यकता होगी जिससे 108 बाल्टी पानी उसमें समा जाए, यानी हमें ड्रम की संख्या ज्ञात करनी है। होगी तो 4 विकल्प हैं, इन 4 विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करना है। चलिए हल कर लेते हैं इसको। दिया है, क्या दिया है? दिया है एक ड्रम 9 बाल्टी पानी से भर जाता है, तो 108 बाल्टी के लिए ड्रमों की संख्या, ठीक है, कैसे प्राप्त करेंगे? 108 बाल्टी है और हम जानते हैं कि 9 बाल्टी में एक ड्रम भराता है, तो 9 का भाग दे दीजिए, 108 में 9 का भाग देंगे, 9 का भरा तब तक बोलिए जब तक कि 10 ना आ जाए, 9 एक 1, 9 9 2 18 ज्यादा हो जाएंगे तो क्या लगे, एक बार में, ठीक है, और 10 में से 9 गए तो 1 बचा, ऊपर से उतारा हमारा 8, कितने हो गए? 18, तो 9 का पढ़ा तब तक बोली जब तक 18 ना, 9 एकम 9 2 18 आ गए, 18 कितनी बार में? 2 बार में, और 18 में से 18 कुछ नहीं बचा, यानी क्या प्राप्त हुआ आपको? 12, यानी 108 बाल्टी के लिए कितने ड्रमों की आवश्यकता पड़ेगी? 12। तो आपके विकल्पों में से सही कौन सा है? सी 12, ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा सी 12, यानी 108 बाल्टी के लिए 12 ड्रम की आवश्यकता पड़ेगी। यदि प्रश्न आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।